हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल में आप सभी का वेलकम है। तो अभी हम इस लेक्चर में क्लास नाइन्थ का चैप्टर टू बहुपद यानी पॉलिनोमियल, जो बीटीसी बुक है या वही एनसीईआरटी बुक है, उसी क्या यानी बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों के लिए इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें हमने बहुपद क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, इन सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज इस लेक्चर में हमने आपके लिए बहुपदों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी इस वीडियो में हम देखेंगे कि बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो आइए हम इन चीजों को समझते हैं। पहला हमारा हेडिंग लाइन से आपका स्पष्ट है, बहुपदों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब देखिए, पहला बहुपदों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, यानी बहुपदों का वर्गीकरण हम दो तरीके से करते हैं। एक पदों की संख्या के आधार पर, यानी नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे। दूसरा बहुपद के घात के आधार पे, यानी बहुपद का जो डिग्री होता है तो डिग्री के आधार पे। ठीक है, यानी बहुपद के घात के आधार पे और बहुपद के पदों की संख्या के आधार पे हम बहुपद का यानी विभाजन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो पहला है एक पदी बहुपद, यानी पदों की संख्या के आधार पर तीन प्रकार का यहाँ पर हमने चर्चा किया है, और भी है लेकिन हमें अभी यही तक पढ़ना है अपने सिलेबस में, तो हम त्रिपदी बहुपद अधिक पढ़ेंगे। तो पहला है एक पदी बहुपद, जिसको मोनो में होता है एक और मेयर में होता है पद। ठीक है, तो एक पद वाला यानी ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, जैसे जैसे 2x, देखिए एक बहुपद है, यानी एक ऐसा px बराबर 2x, एक ऐसा बहुपद है जिसमें केवल एक पद है। इस तरीके से py इक्वल टू हो सकता है 3y हो, तो इस तरीके से कोई एक पद हो तो इस बहुपद को हम कहते हैं एक पदी बहुपद। क्लियर है, द्विपदी बहुपद क्या होता है, तो ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हो, दो पद, जैसे कि px इक्वल टू कहीं पर लिखा हुआ है 2x + 3, इसमें कितने पद है, एक पद और दो पद। इसी तरीके से कहीं py इक्वल टू लिखा हुआ है 2i - 5, तो इसमें भी कितने पद है, एक पद और दो पद। तो यानी ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं, यानी बायनोमियल पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए त्रिपदी बहुपद क्या होता है, तो ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं, यानी ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे देखिए, अगर px इक्वल टू कहीं पे हो सकता है 2x² + 3x + 5, जैसे कि एक पद, दो पद, तीन पद, तो इस तरीके से पद हम गिनेंगे तो वही उसका दो पद रहेगा तो द्विपदी, एक पद रहेगा तो एक पदी, तीन पद रहेगा तो त्रिपदी बहुपद कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं बहुपद के घात के आधार पे। तो बहुपद के घात के आधार पे भी हम तीन तरीके का बहुपद देखेंगे यहाँ पर, एक घातीय बहुपद या इसी को रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। यानी पहला है एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद, जिसको इंग्लिश में हम रैखिक पॉलिनोमियल सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स ऐसा बहुपद जिसके घात एक हो। अब घात क्या होता है, हमने घात के बारे में पढ़ा है लैब में, अगर आपने इसे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, इसे पहले वाला लेक्चर आप जाके देखें, वहां आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, हम लिंक डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए क्या होता है एक घातीय बहुपद, यानी कहीं भी px इक्वल टू 2x + 3 है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो x का घात कितना, एक, और यहाँ पर x का घात कुछ नहीं, यानी x का घात क्या है, 0 है। तो x का जो ज्यादा अधिकतम यानी बहुपद में उपस्थित जो चर है, यानी ये px एक बहुपद है, तो घात क्या होता है, यानी किसी बहुपद में उपस्थित चर का जो अधिकतम मान होता है, यानी चर का जो अधिकतम घात होता है, वही अधिकतम घात बहुपद कहलाता है। तो ये px बराबर 2x + 3 एक बहुपद है जिसमें x का मान यहाँ, x का घात यहाँ पर एक और यहाँ पर x का घात 0, तो ज्यादा घात क्या है, 1 है। तो इसलिए एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। क्लियर है, इस तरीके से हो सकता है कहीं py इक्वल टू कहीं रहे 3y + 3, यानी हम अगर x में बहुपद है तो उसको px से शो करेंगे, अगर y से बहुपद है, अगर y का बहुपद है तो इसे हम py से शो करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ भी y का पावर 1 और कुछ नहीं है तो y का पावर 0, यानी y का पावर इसमें भी ज्यादा से ज्यादा कितना है, 1 है। तो इस बहुपद को हम कहते हैं एक घातीय बहुपद, यानी वैसा बहुपद जिसमें घात 1 हो उस बहुपद को हम कहते हैं एक घातीय बहुपद। और घात निकालना जानते हैं तो हम बता सकते हैं, द्विघाती बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसके कितने घात हो, दो घात हो। जैसे कि अगर px इक्वल टू कहीं तो लिखा हुआ है 2x² + 3x + 5, तो देखिए
इसमें यहाँ पर x का पावर 2 यानी x का घात 2, यहाँ पर x का घात 1, यहाँ पर x का घात 0, तो x का घात कितना है 2, इसलिए यह क्या कहलाया द्विघातीय बहुपद। इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, यानी py इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 5 एक है, तो यानी यहाँ भी देखिए y का पावर कितना है 2 है, तो इसका मतलब इसका घात कितना है 2, और 2 घात है तो उसे हम कहते हैं द्विघातीय बहुपद। इस तरीके से त्रिघाती बहुपद क्या होगा, यानी ऐसा बहुपद जिसके कितने घात हो, 3 घात हो, जैसे px इक्वल टू कहीं पर लिखा हुआ 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इस तरीके से यहाँ पर जो अधिकतम घात है वो कितना है 3 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, तो सबसे ज्यादा घात कितना है 3 है, तो जो अधिकतम घात होता है यानी किसी बहुपद में उपस्थित जो चर होता है उसका अधिकतम घात 3 है, तो वही इस बहुपद का क्या होगा घात होगा, इसलिए यह 3 घात वाला है, इसलिए हम कहते हैं त्रिघातीय बहुपद। तो घात निकालने आता है, इसका मतलब हम बहुपद को बता सकते हैं कि यह घातीय है, द्विघाती है या तीन घातीय है। तो दो चीज हमने पहले क्लास में ही पढ़ा था कि टर्म यानी पद क्या होता है और घात क्या होता है, हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं और वही से इन चीजों को हम क्लियर कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। दो पॉइंट हमारे पास और है, उसको जरा समझ लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपने चैप्टर की सॉल्यूशन की तरफ। तो दो पॉइंट जो हमें पढ़ना है क्या उसको समझ लेते हैं, क्या पढ़ना है। जैसे कि अगर हम पहले हमें पढ़ना है बहुपद का मान यानी वैल्यूज ऑफ अ पॉलीनोमियल, वैल्यूज ऑफ अ पॉलीनोमियल वैल्यूज ऑफ अ पॉलीनोमियल। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं भी px इक्वल टू 2x प्लस 3 एक बहुपद दिया हुआ है, तो मान हमको फाइंड करना है। मान फाइंड करना मतलब कोई आपको कहा जाए कि x बराबर 2 के लिए इस बहुपद का मान क्या करो, तो x का मान 2 के लिए इस बहुपद का मान निकालो, इसका मतलब जहां जहां x है वहां वहां मान 2 रख दो, यानी x जगह हमको क्या पुट करना है 2 पुट करना है, तो हम यहाँ भी 2 पुट कर देंगे, 2 प्लस 3 यानी 2 दूनी 4 और 3 7 ऐड कर देंगे, 7 इस बहुपद का मान रख, यही मान निकालना होता है। कितना सिंपल है, कहीं भी अगर py इक्वल टू लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 5, तो मुझे y बराबर 5 के लिए इस बहुपद का मान निकालना है, तो कुछ नहीं है, यानी मुझे p5 निकालना है, तो जहां जहां y था वहां वहां 5 डाल दे, सॉरी यहां पर py में है तो यहां पर y आएगा, क्लियर, यहां py का बहुपद था तो सॉरी यहां y आएगा, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। तो जहां जहां y है वहां 5 डाल दीजिए, क्योंकि हम y बराबर 5 के लिए मान निकाल रहे हैं, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा माइनस 5 यानी 25 माइनस 5 यानी कितना होगा 20। तो इस तरीके से आप बहुपद का मान निकालना समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं, एक और क्वेश्चन हमको पढ़ना है, इसी में अगला पॉइंट है हमारा बहुपद के शून्य, ठीक है, बहुपद के शून्य समझते हैं हम, बहुपद के शून्य क्या होता है, बहुपद का शून्य यानी जीरोज ऑफ अ पॉलीनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलीनोमियल ये क्या होता है, इसको जरा समझो, बहुत सिंपल है। जैसे कि मान लीजिए कहीं भी एक बहुपद दिया हुआ है, px इक्वल टू लिखा हुआ है 2x माइनस 4, तो इसका मुझे शून्यक निकालना है। शून्यक मतलब यानी x का ऐसा कौन सा मान रखूं कि ये क्या बन जाए, जीरो बन जाए, वही उसका शून्यक कहलाएगा। तो यहां पर हमको देखने से स्पष्ट है कि x की वैल्यू जब 2 डालेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा, यानी x का मान जब 2 रखेंगे तो ये इस बहुपद का मान 2 गुना 2 माइनस 4 इक्वल टू क्या बन गया 0, यानी इस बहुपद का एक शून्य क्या हो गया 2 हो गया, एक शून्य क्या हो गया 2 हो गया। इस तरीके से अगर कहीं भी एक py में एक बहुपद है जिसका है y क्यूब माइनस 27 लिखा हुआ है जैसे, तो आप इसका शून्य निकालना है, इसका शून्य निकालना है मतलब y का ऐसा मान रखो कि इसको क्या बना दे 0 बना दे, तो हम देख रहे हैं कि ये 27 है, तो यहाँ 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब 27 होता है, तो यानी हम यहाँ पर p3 यानी 3 का क्यूब माइनस 27 यानी ये भी 3 तीन होते 27 माइनस 27 जीरो आ जाएगा, तो 3 इस बहुपद का क्या होगा शून्य होगा, यानी ऐसा मान यानी उसमें बहुपद का शून्य का मतलब हुआ कि बहुपद में उपस्थित जो चर है उस चर का एक ऐसा मान लाया जाए जो उस बहुपद को शून्य बना दे, तो वह उसका क्या कहलाता है शून्य कहलाता है। दूसरी भाषा में अगर हमको यहाँ तो हमको क्लियर है दिखाई दे रहा है तो हम आराम से निकाल लेते हैं, अगर ऐसा नहीं रहे तो हम क्या करेंगे, तो हम बहुत आसान है, जैसे कि आपको कोई कह दे कि px इक्वल टू 2x माइनस 3 है,
और इसका आपको शून्यक निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, शून्यक निकालने के लिए हम इसको जी शून्य बना देंगे, यानी इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे, जो बहुपद दिया हुआ है उस बहुपद को हम जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो हमने इसको जीरो से इक्वेट कर दिया, जब इसको जीरो से इक्वेट कर दिया तो 2x = 3 हो गया, और x = 2 हो गया 3/2, यही इस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी जो बहुपद दिया रहेगा उसको आप जीरो से इक्वेट कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका शून्य निकल जाएगा। एक बार देखिए, जैसे इस बहुपद का मुझे निकालना है तो इसको भी मैं जीरो से इक्वेट कर देता हूँ, और जैसे जीरो से इक्वेट करूंगा तो y³ = 27 हो जाएगा। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, √27 जो कि 3 देगा, तो y का मान 3 आ गया। तो इस तरीके से यानी हमें जीरो से बराबर कर देने से, जीरो से इक्वेट कर देने से हमारा शून्यक निकल जाता है। तो शून्यक क्या हुआ, बहुपद के शून्यक, यानी किसी भी बहुपद में उपस्थित वह चर, चर का वह मान जो उस बहुपद को जीरो बना दे तो वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। और बहुपद का मान क्या होता है, यानी उस बहुपद में उपस्थित चर का कोई भी मान डालकर उसकी जो वैल्यू निकाल देते हैं वही उस बहुपद का मान होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले क्लास में अपने चैप्टर की सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही काफी है, आप इसका नोट्स बनाइए, समझिए, पढ़िए और खुश रहिए। बेस्ट ऑफ लक।